लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता चिराग पासवान जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो लोगों ने उनका खूब जोरदार स्वागत किया। बिहार की जनता के साथ धोखा देने वाले नीतीश कुमार पर वो जमकर बरसे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी और एनडीए दोनों नाराज चल रही है। लोगों का मानना भी यह है कि नीतीश कुमार ने यह निर्णय गलत लिया, उन्हें एनडीए का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। चिराग पासवान ने यह कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता का कुछ ख्याल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि धरने पर बैठे बच्चे शिक्षक सब बैठे हैं और उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। आपको बता दें कि विधानसभा का चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को कम सीट आने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश कुमार उन्हीं के साथ धोखा कर दिए। तो जरा सोचिए, जो अपनी ही पार्टी के लोग के साथ धोखा कर रहे हैं वह जनता का क्या ख्याल रखेंगे। चिराग पासवान ने इनका ये आदत बहुत बुरा लगा कि वह बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए आपको पूरी बात सुनाते हैं, चिराग पासवान ने बिहार की जनता के हित में क्या कहा। बिहार की जनता को फर्क पड़ता है कि जो मुख्यमंत्री 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 का खेल खेल रहा है, चार दिन इनके साथ सरकार में, चार दिन इनके साथ सरकार में, बिहार की चिंता कौन करता है। आप हमारे साथ हर एक जगह आप लोग रहे हैं, देखे हैं जिस तरीके से धरने पर बच्चे बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, आज सुखाड़ से बिहार जूझ रहा है, इसकी चिंता किसको हो रही है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि कौन चाचा भतीजा है, पर जो चाचा भतीजा एक हुए नहीं है, नीति कौन सी बदली, उसी नीति पे काम कर रहा। भैया महागठबंधन जब पहली बार बना 2015 में सात निश्चय पर काम हो रहा था, जब एनडीए की सरकार बनी तब भी सात निश्चय पर काम हो रहा था, आज जब पुनः महागठबंधन की सरकार बनी है तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना क्या, साझा न्यूनतम कार्यक्रम बना, उसी एजेंडे पे काम हो रहा। तो भैया उस एजेंडे में अभी तक क्या आपने किया कि आज की तारीख में इस सरकार को बदलने पर लोग विश्वास करें। हकीकत है कि ये सिर्फ अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये किया जा रहा है।